हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेमेडीज अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिससे हम अपने डैमेजेस या इंजरीज को क्लेम कर सकते हैं या कंपनसेशन ले सकते हैं किससे, रॉन्ग डूअर से। पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रेमेडी। रेमेडी होते क्या है? वो रेमेडी जो हम कोर्ट के थ्रू कानून के थ्रू किसी से पेनल्टी निकलवाएं या कंपनसेशन लें, ये होता है रेमेडी की डेफिनेशन। अब इसको हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पेनल्टी व्हेन इंजर्ड पर्सन इज कंपनसेटेड बाय द रॉन्ग डूअर अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसी पेनल्टी जो इंजर्ड पर्सन को दी जाती है किसके रॉन्ग डोर की तरफ से, क्या एक कंपनसेशन दी जाए रॉन्ग डोर को जिसने इंजरी पहुंचाई है, किस रॉन्ग डोर डिफेंडेंट की तरफ से, किसको, प्लेंटिव को जो क्लेम कर रहा है कोर्ट में या कानून के मुताबिक जो क्लेम कर रहा है उससे कंपनसेशन दी जाए, उससे हम कहते हैं रेमेडी। अब इसकी काइंड्स देखेंगे कितनी किस्मों की होती है। फर्स्ट वन इज जुडिशियल रेमेडी, सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। अब जुडिशियल रेमेडी जैसे आपको मैंने बताया, कोई शख्स थ्रू कोर्ट थ्रू लीगल प्रोसीडिंग, और इसको हम लीगल रेमेडी भी कहते हैं, लीगल कानूनी रेमेडी, किसी कोई कानूनी रेमेडी अवेल करके कोर्ट में जाए और उसके खिलाफ टॉर्ट का केस फाइल करे और उससे कंपनसेशन क्लेम करे, और उससे कंपनसेशन किससे मिली जाए, रॉन्ग डूअर से, डिफेंडेंट से, किसको, प्लेंटिव को जिसको इंजरी हुई है। अगर उसको कोई इंजरी हुई है या डैमेजेस हुए हैं, अगर वो कोर्ट के थ्रू उससे निकलवाए पेनल्टी, उससे हम कहते हैं जुडिशियल रेमेडी। अब इधर जो मैंने डैमेजेस का आपको बताया, डैमेजेस और डैमेज में दोनों में फ़र्क है, ये आप गौर करिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। डैमेजेस मीन्स जो आपको कंपनसेशन पे हो, जो आपको कंपनसेशन पे की जाए। डैमेज मीन जो आपको लॉस हुआ, ये याद रखिएगा इन दोनों का ये फ़र्क। डैमेजेस मीन्स जो आपको कंपनसेशन पे की जाए, और डैमेज मीन जो आपको लॉस हुआ हो, ये होती है दोनों में फ़र्क। अब देखेंगे एक कंपनसेशन की और तरीकाकार है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कंपनसेशन। एक ऐसा भी तरीका है, प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो उसको प्रॉपर्टी की कंपनसेशन जो किस में सूरत में दी जाती है, कंपनसेशन की सूरत में। अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कोई कोर्ट ऐसी भी होती है प्रोसीडिंग में, उसे क्या करती है, कंपनसेशन पे कर देते हैं, ये भी उसमें एक सूरत है। ये इधर काफ़ी कम है, यूके में यहाँ पे ये बहुत होता था ऐसा कि किंग के पास जाते थे, वो क्या करते थे, प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसे कंपनसेशन मुआवजा दिया जाता था उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी हम इन सिंपल फॉर्म कहें अपनी मदद आप कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप विथआउट कोर्ट किसी की हेल्प आउट करें, या अपने आप के सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी इंजरी को बचाने के लिए, अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए अगर आप वो चीज़ करते हो तो कोर्ट आपको इजाज़त देता है, बट इन सम लिमिटेशन, इन सम एक्सेप्शंस, इन कुछ कंडीशंस। बट इन एक्स्ट्रा जुडिशियल में ये हम लिखते तो हैं, बट ये कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है इसको प्रोवाइड, मतलब इसको प्रूफ करना कि आया कि आप अपनी जान बचा रहे हो, क्या पता आपकी वजह से उसको नुकसान हो गया, अगली पार्टी की डेथ हो गई या मर्डर हो गया। तो आप ये भी लेते हो अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल में कि मैं अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा था, तो इसमें बहुत से दिक्कत आते हैं कोर्ट्स में भी, अगर आप इसको लेकर जाएंगे तो बहुत से जो है ना इसमें कंट्रडिक्शंस आते हैं, फिर भी आप ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं, मगर सेल्फ डिफेंस इतनी करें कि अपनी जान बचा सकें और अपने आप को वहाँ से बचा सकें। कैसे, आप उसकी कंडीशंस देखें किस जगहों पे। पहली है रेंटर ऑफ लैंड, अगर कोई आपके घर में, क्या अगर आपके कोई लैंड में या घर में कोई आता है तो आप अगर उसको निकाल सकते हैं
तो आप अपनी, अगर आप उसके अपनी मदद के तहत या कोई आपके थ्रू कोई उसको निकलवा सकते हैं घर से, तो आपके पास वो है सेल्फ हेल्प, आप अपनी हेल्प लेकर उसे निकलवा सकते हैं विथआउट योर परमिशन। रेंटर ऑफ प्रॉपर्टी या लैंड मीन्स कोई आपके विथआउट परमिशन कोई आपके घर में घुसा हो, ये याद रखिए, कोई आपके घर में विथआउट योर परमिशन कोई इन हो जाए, आप अगर उसको, आप इतनी पावर रखते हैं, आप अगर उसको निकाल सकते हैं, तो आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन पावर देता है कि आप उसे अपनी हेल्प के थ्रू निकाल सकते हैं। ये आपको कोड विथआउट कोड, आप ये जो है आपके पास रेमेडी है एक्सट्राजुडिशियल में। सेकंड थिंग, एक्सप्लोजन ऑफ योर ट्रेसपास। एक्सप्लोजन में ये कि आपके कोई जो ज़मीन या घर में कोई मुदाखलत करे विथआउट योर परमिशन, कोई आके घर में घुस जाए, ऐसे कोई अगर, या कोई ऐसे जानवर या कोई ऐसा चीज़ जो आपके घर में जो आ जाए नुकसान कर दे, कोई आपके लिए जो नुकसान का बायस बने घर के लिए या आपके लिए नुकसान का बायस बने, तो आप उसे, अगर आप इतने से हेल्प कर सकते हैं अपनी सेल्फ हेल्प, तो आप विथआउट कोड उसको उधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन, रिसेप्शंस ऑफ गुड कोड ऑफ लॉ। लाइक जैसे मैंने आपको रेंटर ऑफ लैंड बताया, कोई आपके लैंड में आ रहा है, अगर कोई शख्स, कोई भी आपके कोई शख्स आ रहा है आपकी प्रॉपर्टी में कोई चीज़ तोड़ रहा है, और कोई आपका बाग है खजूरों का या आम का किसी चीज़ का भी, विथआउट योर परमिशन, विथआउट योर एंट्रेंस, विथआउट योर परमिशन एंट्रेंस, आपके बगैर मौजूदगी में या कोई आपके बगैर आके वो चीज़ करता है, तो आप उसको हटवा सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी चीज़ है, आप विथआउट गॉड उसे निकाल सकते हैं, पर इतना करें आपको उसको नुकसान ना हो, उसको कोई चोट ना लगे, कोई ऐसा, ये आप कर सकते हैं, मगर कुछ इन एक्सेप्शंस में आप कुछ मतलब चोट आ जाए तो आप प्ली ले सकते हैं, मगर ये क्या है कि आप किसी को मर्डर हो जाए, कोई ऐसे हाथापाई हो जाए, तो ये थोड़ा उसका एहतियात कीजिएगा। अबेंडमेंट्स ऑफ न्यूजेंस, कोई आपको शोर शराबा या गाली गलौज दे रहा है आपकी सोसाइटी में, आपकी कोई सोसाइटी में आपके घर के नज़दीक अगर कोई आपकी गालम गलौज कर रहा है, तो आप उसके अपनी मदद के तहत आप उसको उधर से निकलवा सकते हैं, आप उसको इधर से निकाल सकते हैं, ये आपको कोर्ट डिस्क्रिप्शन पावर देता है कि आपके अगर कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में ये है कि आप अगर कोई भी अपनी मदद आपके तहत ऐसी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द गलत हो रही हो, या आपके घर में कोई ऐसे गैर कानूनी आपके बगैर मुदाखलत आपके विथआउट योर परमिशन कोई इन हो रहा है, तो आप अपनी मदद के तहत आप उसे निकाल सकते हैं उस जगह से। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेमेडी, रेमेडी के मकसद क्या था, ये रेमेडी या एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी लाए क्यों गए, इसका इनका मकसद क्या था। नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लोगों के जो राइट्स हैं कानूनी जो उनको दिए फंडामेंटल राइट्स या कोई भी, वो उनके प्रोटेक्ट किए जाएं, अगर ये टॉट ना होता या कोई ऐसी चीज़ ना की जाती तो लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती, लोग करते रहते, इसलिए रेमेडी को ले आए, इन्फोर्स करवाया। सेकंड थिंग, फिनेंशियल प्रेशर ऑन रॉन्ग डूअर, जैसे उसे कंपनसेशन ली जाए, मुआवजा ली जाए, प्रेशर दिलवा कर कंपनसेशन उसे लिया जाए। थर्ड थिंग, अगर कोई जानबूझ के या निगलिजेंस से या इंटेंशन ना हो, ये अनइंटेंशनली या इंटेंशनली अगर कोई काम करता है कोई या निगलिजेंस से करता है, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए ये इस रेमेडी को लाया गया, लागू करवाया गया। अब ये जो रेमेडी है दो जगहों पे इन्फोर्स नहीं होती, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दो जगहों पे ये जो है इन्फोर्स नहीं होती, ये सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट में होती। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जैसे मर्डर वगैरह एक्स्ट्रा जुडिशियल में ऐसे, तो फिर तो क्राइम में चला जाएगा, बट इन रेमेडी इन सेंस कि आपकी कोई डैमेजेस आपको ना करे, आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए, डैमेजेस लॉस ऑफ मनी या जैसे इंजरी आपको ना पहले, इंजरी मैंने आपको क्या बताया था, आपके लीगल राइट्स, जैसे हमने याद आपको अगर याद हो मैंने पिछले लेक्चर्स में इनसे पहले हो गए डमनम साइन इंजरी और इंजरिया साइन डमनम मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें लीगल राइट्स के बारे में हमने बताया था काफ़ी उसमें, तो आपके इंजरी ना हो, आपको डैमेज ना हो, डैमेज ना हो,
इसलिए इस चीज़ को लाया गया ताकि लोगों को नुकसान ना हो, इन चीज़ से बच सके। और यहाँ पे काफ़ी जो इधर, चलो इसको बाद में डिस्कस करने, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसकी एग्जांपल समझे थे, ए इंटर इनटू बी, अगर ए कोई शख्स मिस्टर अहमद वो इंटर होता है किसी के घर में, किसमें, मिस्टर अब्दुल गफूर, विथआउट परमिशन ऑफ मिस्टर अब्दुल गफूर, तो जो भी ए मिस्टर ए जो मिस्टर ए बी के घर में गया, तो वो विथआउट उसकी मुदाखलत की, तो इसने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके रिलेशनशिप मतलब उसके विथआउट उसके ट्रस्ट के वो उसके घर में इन हो गया। तो दैट वाज अबाउट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब मैं इसका थोड़ा बताता हूँ कि जो इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट हमारे पाकिस्तान में तो कम है, बहुत काफ़ी टाइम तक, अब ये आया है पाकिस्तान में मगर बिल्कुल कम चलता है, थ्रू ये आया है केस लॉज या मैगजीन्स है, बट हमारे यहाँ वकला हजरात काफ़ी यही करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं लॉ ऑफ टॉर्ट को, ये काफ़ी टाइम ये जो है क्रिमिनल में लेकर जाते हैं उसे सज़ा दिलवाने या पनिशमेंट दिलवाने के लिए, काफ़ी कम इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में इन होने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर आपको कुछ समझ ना आए हो, अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके मैं आंसर दूंगा, और उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी होगा आपके क्वेश्चन उनको मैं वीडियो अपलोड करूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने शकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।